हेलो गेमर्स, अब यार देखो इंडिया में पीसी गेमर्स स्टीम से पहले फिटगर्ल पे जाके गेम्स डाउनलोड कर लेते हैं क्योंकि टॉरेंट्स और गरीबी दोनों ही फ्री है। बट यार जब तक तू गेम्स खरीदेगा नहीं कोई भी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को सीरियसली लेगा भी नहीं और तू बस मोबाइल गेमर्स को गाली देता रह जाएगा या PS4 जेल ब्रेक के वीडियोस ढूंढता रह जाएगा। प्लेस्टेशन 4 में 6.2 का जेल ब्रेक आ चुका है। जिन लोगों को ये लगता है और जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं कि सर आप पायरेसी को बढ़ावा देते हो, आप पायरेसी करते हो या जेल ब्रेक के बारे में बताते हो, तो गाइस ऑब्वियसली जेल ब्रेक सिर्फ हम इसलिए करते हैं ताकि हम खेल पाए फ्री में गेम्स। हम बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहते और हमारा काम कोई पायरेसी को बढ़ावा देना नहीं है। तो यार मैं कुछ ऐसे गेम्स बताऊंगा, सस्ती गेम्स, इवन 20 रुपए के गेम्स, उससे महंगे तो यार चिप्स आते हैं, जो लेना वर्थ इट है। एंड कुछ ऐसे गेम्स जो किसी भी एंगल से लेना वर्थ इट नहीं है, अनलेस ऑफ कोर्स तो फिट गर्ल से लेने की प्लान कर रहा है। सबसे पहले तो यार ध्यान देना, ईए के काफी गेम्स स्टीम पे आ गए हैं जिसे स्टीम प्रमोट करता रहता है, बोलता रहता है कि ले लो भाई ले लो, जैसे कि NFS हीट जो ये 1700 रुपए में बेच रहे हैं। अब यार गेम बुरी नहीं है लेकिन मैं इंडियन प्राइसिंग के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ ये 800-900 से ज्यादा की वर्थ इट नहीं है, स्पेशली जब तू फोर्जा होराइजन 4 जैसी गेम गेम पास पे 50 रुपए में खेलना स्टार्ट कर सकता है। एंड दूसरी तरफ है ये सिम्स 4, जिसके लिए साला तू जितना भी पैसा दे इट इज नॉट इनफ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सिम्स 4 खुद कह रहा है, क्योंकि सिम्स 4 का जो बेस्ट कॉन्टेंट है ना वो उसके DLC में है, जो साला बेस गेम से ज्यादा महंगा है। इसका सारा DLC खरीदने में 20,000 रुपए ठुक जाएंगे, विच इज नॉट वर्थ इट, लाइक डोंट बॉदर। एनीवेज गेम्स जो मैं एक्चुअली रिकमेंड करूंगा तुम्हें लेने के लिए, ओके GTA पसंद है? GTA की शूटिंग, お前なんでこんなもん ओके वेट लिसन, याकुजा जीरो बहुत ही बढ़िया गेम है, रिडक्टिवली बोलो तो यार दिस इज जापानीज GTA, बट इट इज सो मच मोर देन दैट। बेसिकली एक प्लॉट ऑफ लैंड को लेके है पूरा ड्रामा, एंड साथ में जो जापानीज माफिया है ऑल्सो कॉल्ड एज द याकुजा, उनके इन्स एंड आउट्स एंड उनके स्टोरीज है। एंड ये तो सिर्फ मेन स्टोरी है विच इज लाइक 40% ऑफ द गेम, क्योंकि याकुजा जीरो भरा हुआ है विद इंटरेस्टिंग साइड स्टोरीज एंड कैरेक्टर्स। एक है ये काजुमा किरियू, एंड दूसरा है गोरो माजिमा, एंड देन फिर ये लोग, वी हैव माइकल जैक्सन, स्टीवन स्पीलबर्ग, अंडरवेयर मैन, दिस ओल्ड प्रोस्टिट्यूट, चिकन डिनर, दिस गेम हैज एवरीथिंग। एंड जहां पे यार GTA हैज दिस मैसिव मैप विद लाइक 50 थिंग्स टू डू, याकुजा जीरो हैज अ सिटी ब्लॉक विद 500 थिंग्स टू डू। बढ़िया गेम है यार, 160 रुपए में, प्लीज प्ले दिस। ओके GTA पसंद है? GTA की ड्राइविंग, forgive me, I'm sorry. Oh fuck. Okay, I know कि Rockstar ने कई गेम्स बनाए हैं with a lot of interesting characters, but this guy is my favorite यार। ये बंदा यूगोस्लाविया में वॉर्स एंड ऑल लड़के आया है, he's kind of a bad guy, and ये कैसे ना कैसे अमेरिका तक पहुंच गया in the hopes of a better life and also looking for revenge. And oh man, the story goes places. It's happy, it's sad, and most of all, it's fucking badass. Okay, ये थोड़ा सा unpopular opinion होगा, but मेरे हिसाब से GTA 5 का story was okay है, but everybody loves it because Trevor pulled his fucking dick out. Mine ain't nothing special. But this boy gets the job done. Nico and uske cousin ka relationship jaise develop hota hai, the friends and the enemies they make along the way. Story mein jaise twists and turns aate hain, and in the end no one really wins. And jaisa ki Rockstar ne khud hi kaha tha, this game is not about rags to riches. It's about rags to slightly better rags and bowling. Nico, it's Roman. Let's go bowling. अब यार गोलियां चला दी, मुक्के बेल दिए, लाशें बिछा दी, टाइम टू चिल आउट। मैन जर्नी माइट बी वन ऑफ द मोस्ट हैप्पी एंड रिलैक्सिंग गेम्स आई हैव एवर प्लेड। मुझे याद है पहले जब मैं टाटा में काम करता था घर एकदम थका हुआ आता था, अनहैप्पी एंड फ्रस्ट्रेटेड इन जनरल, उस टाइम मैंने जर्नी खेली थी पहली बारी PS3 पे, एंड आई लव्ड इट। द म्यूजिक वुड जस्ट वॉश ओवर यू, द सीनरी वॉज जस्ट गॉर्जियस, एंड सैंड के थ्रू ग्लाइड करते हुए जाना वॉज सच अ गुड फीलिंग। एंड इवन दो गेम में कोई डायलॉग्स वगैरह नहीं है, जस्ट म्यूजिक टोन एंड विजुअल्स के थ्रू ना ये गेम ऐसे पावरफुल इमोशंस कन्वे करता है, इट्स माइंड ब्लोइंग। अब ऑनेस्टली इतने सालों बाद यार 350 रुपए थोड़ा सा ज्यादा है फॉर दिस गेम, तो इफ यू डोंट बाय इट राइट नाउ विशलिस्ट में ऐड कर दो, कभी 200 तक प्राइस गिर जाए ना तो ले लेना, दिस गेम इज एन अनकंटेस्टेड मास्टरपीस।
अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ईए के गेम्स थोड़ा सोच समझ के लेना, वैसा एक और ईए का भाई एक्टिविजन, साला इनको तो स्टीम सेल से बैन कर देना चाहिए। ये कोई प्राइस होता है? ब्लैक ऑप्स 1200 रुपए, ब्लैक ऑप्स 2 2000 रुपए, मॉडर्न वॉरफेयर रिमास्टर्ड 2000 रुपए, व्हाट द फक इज दिस मैन? ये सेल नहीं, लूट चालू है यहाँ पे। आई हैव नो आइडिया कि यार ये एक्टिविजन अपने पुराने कॉल ऑफ ड्यूटी के प्राइसेस को कम क्यों नहीं कर देता। इनका मल्टीप्लेयर वैसे भी डेड है, लोग सिंगल प्लेयर ही खेलेंगे, तो माइट एज वेल ड्रॉप द प्राइसेस, फक इट, नेक्स्ट गेम। ड्रैगन्स डॉगमा सबसे पहले मैंने PS3 पे खेली थी जब रिलीज हुई थी, एंड फिर PC पे विद मॉड्स एंड ऑल। एंड इस गेम का कॉम्बैट, ओ भाई, जब मैं आजकल के AAA गेम्स को स्ट्रगल करते हुए देखता हूँ ना विद मीडियोकर कॉम्बैट एंड एक्सप्लोरेशन, तब मुझे ड्रैगन्स डॉगमा की याद आती है। यू आर फाइटिंग दीज मैसिव मॉन्स्टर्स एंड तुम उनपे चढ़ सकते हो यार, जैसे शैडो ऑफ द कोलोसस में था। एंड दीज फाइट्स आर ऑसम, प्लस तुम्हारे पास अच्छा वेपन वैरायटी है, मैजिक एबिलिटीज है। एंड एक्सप्लोरेशन भी बहुत ही कंपेलिंग है, मजा आता है, क्योंकि दिस गेम इज प्रिटी टफ एंड यू नेवर नो कि यार अगले टर्न पे या केव में या डंजन में क्या मॉन्स्टर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, वेन यू गो डाउन दिस डंजन, यहाँ रास्ता ऑलरेडी ट्रिकी है, इट्स दिस नैरो वुडन ब्रिजेस एंड गिरने का चांस भी काफी हाई है, एंड साथ में एनिमीज भी अटैक कर रहे हैं। एंड धीरे धीरे तुम नीचे तक पहुंचते हो तो यू फाइंड दिस मैसिव साइक्लॉप्स चेन टू द वॉल, यहाँ पे नाउ यू कैन फाइट दिस साइक्लॉप्स। एंड डैम ड्यूड, जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है ना, ऑल ऑफ इट एड्स सो मच टू द ओवरऑल फील ऑफ द गेम। आई रियली विश इस गेम में मल्टीप्लेयर होता, उसके जगह यू हैव दीज टू NPC कैरेक्टर्स हु आर फेयरली इडियोटिक एंड उनको बेसिकली यार डिकॉयज की तरह यूज करना बेस्ट है। इसका एक मल्टीप्लेयर गेम आया था ड्रैगन्स डॉगमा ऑनलाइन, विच वॉज जापान ओनली, एंड उसके सर्वर्स लास्ट ईयर ही डिसंबर में बंद कर दिए थे। आई रियली होप कि यार इस गेम का आगे कोई तो सेकंड पार्ट आए या फिर एक प्रॉपर मल्टीप्लेयर वर्जन आ जाए। ऑलराइट, आगे बढ़ने से पहले यार मैं 2-3 छोटे मोटे गेम्स जल्दी से निपटा देता हूँ। पहला है ये पेडे 2, 34 रुपीज का। ये थोड़ा बहुत GTA ऑनलाइन टाइप है बट फुली हाइस्ट फोकस। 4-player co-op है जहाँ पे तुम बैंक एंड ऑल रॉब करोगे, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स है एंड एंड में पुलिस से बच के निकलना है, इट्स रियली फन। अब यहाँ इन्होंने लिखा है गन प्ले एंड मैकेनिक्स ऑन अ न्यू लेवल, तो ऐसा कुछ नहीं है, शूटिंग इज नॉट बैड बट कुछ नेक्स्ट लेवल नहीं है कि जैसे तुम डूम या टारकोव खेल रहे हो। दूसरा है ये एनिमे स्ट्रैंडिंग 21 रुपए की, तो यहाँ पे इन डेवलपर्स ने कुजीमा से पहले डेथ स्ट्रैंडिंग का सीक्वल बना दिया है, एक नेचुरल एवोल्यूशन जहाँ पे एनिमे गर्ल्स आर द रियल हीरोज। अब यार कुछ कुछ चीजें ना तो खुद से देखने एंड एक्सपीरियंस करने के बाद ही बिलीव कर पाएगा, एंड 20 रुपए में ऐसा कुछ देख लेना, आई डोंट थिंक यू कैन पुट अ प्राइस ऑन दैट। ऑल्सो 20 रुपए से याद आया क्लाइम विद व्हील बैरो, ये गेटिंग ओवररेट का बड़ा भाई है, व्हील बैरो लेके जाना है ऊपर तक। इफ यू रियली हेट योरसेल्फ, 20 रुपए में इससे बेटर टॉर्चर नहीं मिलेगा। ऑलराइट यार, गेम्स तो बहुत है सेल पे जो लेना वर्थ इट है। विचर 3, मेटल गियर सॉलिड 5, हैंड्स डाउन वन ऑफ द बेस्ट थर्ड पर्सन स्टेल्थ एंड एक्शन गेम्स। आउटर वाइल्ड्स, भाई इस गेम की मैं इनफ तारीफ नहीं कर सकता, वन ऑफ द बेस्ट गेम्स आई हैव एवर प्लेड, प्लीज ये गेम खेलो। द फॉरेस्ट, बहुत ही बढ़िया स्टोरी वाली कोऑप सर्वाइवल गेम। मेट्रो एक्सोडस, अभी ये 600 रुपए में क्यों बेच रहे हैं, ये गेम तो महंगी होनी चाहिए, सेक्सी गेम है यार ये। हॉलो नाइट, यार अगर तुम्हें एक चैलेंजिंग 2D एक्शन गेम खेलना है ना तो इससे बेटर नहीं मिलेगा। बायोशॉक कलेक्शन 350 रुपए में, वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट्स। ये टूम रेडर का रीबूट, तीनों गेम्स काफी सस्ते मिल रहे हैं एंड आई रियली लाइक दीज गेम्स, टोटली वर्थ इट है। हंटर कॉल ऑफ द वाइल्ड, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सप्लोरेशन एंड हंटिंग फोकस्ड गेम है, काफी चिल्ड आउट है। एनीवेज, गेम्स तो बहुत है यार इस सेल पे जो लेने लायक है, बता दो यार अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो कमेंट्स में बता दो, या फिर मेरे रिकमेंडेशन में से तुम कोई गेम लेने वाले हो तो वो भी मुझे बता दो कमेंट्स में। वीडियो पसंद आया तो एज ऑलवेज प्लीज लाइक कर दो, मेरे चैनल पे पहली बार ही हो सब्सक्राइब कर लो, एंड मैं तुम्हें मिलूंगा अगले वीडियो में। बाय ड्यूड्स।